सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन के मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती को एक बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने ड्रग्स केस में फंसी रिया, शौविक और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब माना जा रहा है कि जमानत के लिए रिया चक्रवर्ती हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। हालांकि इसके संकेत भी उनके वकील सतीश मानशिंदे ने दे दिए हैं। मुंबई की विशेष अदालत का फैसला आने के बाद रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा है कि हम स्पेशल कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। मिलने के बाद अगले हफ्ते तक इस मामले में हाईकोर्ट जाने को लेकर फैसला किया जाएगा। मुंबई की विशेष अदालत ने ड्रग्स केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती के अलावा भाई शौविक चक्रवर्ती, जयत विलात्रा, अब्दुल बासित, दीपेश शाबत और सैमुअल मिरांडा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने बुधवार को ही रिया की जमानत की याचिका लगाई थी, जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था। रिया चक्रवर्ती को नेशनल कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स को लेकर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 22 सितंबर यानी कि 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल रिया मुंबई के भाईकला जेल में बंद है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।